4.2 इटली यूनिफाइड। देखिए जर्मनी की तरह ही, अभी हम लोगों ने जर्मन देखा ना, जर्मन यूनिफिकेशन, तो जर्मनी की तरह ही इटली भी इस टाइम पे काफ़ी डिवाइडेड थी। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 किंगडम्स, ठीक है, ये 7 किंगडम्स में बटी हुई थी। आप ना अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं यूनिफिकेशन से पहले की इटली को, पेज नंबर 21 पे आप देख रहे हैं। तो टोटल कितने किंगडम आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 दिखाई दे रहे हैं। एक किंगडम आपका लोम्बार्डी एंड वेनेसिया, उधर देखिए तो सार्डिनिया, 2 हो गए। एक ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं मोडेनिया, टस्केनी एंड पार्मा। उसके बाद आपको पेपल स्टेट दिखाई दे रहे हैं, सबसे नीचे किंगडम ऑफ बोथ सिसिल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इटली इस टाइम पे क्या है, यूनिफाइड नहीं है। नॉर्थ का जो इटली है, नॉर्थ किसके कंट्रोल में है, तो नॉर्थ का इटली कंट्रोल में है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में। इटली के नॉर्थ हिस्से पे कंट्रोल है ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर का, ठीक है। जो सेंट्रल रीजन है इटली का वो पोप के अंडर में है, ठीक है। जो साउथ का रीजन है इटली का वो स्पेन के, स्पेनिश बोर्बन डायनेस्टी के अंडर में है, ठीक है। इस पूरे रीजन में ये जो 7 किंगडम है इसमें एकमात्र स्टेट है सार्डिनिया पिडमेंट, जो रूल किया जा रहा है एक इटालियन रूलर के द्वारा, ठीक है, रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट या इटालियन रूलर आप कह सकते हैं। एक सार्डिनिया पिडमेंट ही ऐसा किंगडम है जो इटालियन रूलर के द्वारा रूल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इटली में ना ये जो एरिया बटे हुए हैं, तो इटली के यूनिफिकेशन का कोई नेशनल इंटेंशन नहीं था, कोई लिबरल इंटेंशन नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत बेटर तरीके से तो इटालियन यूनिफिकेशन के पीछे एक एरिस्टोक्रेटिक अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 7 किंगडम इटालियन किंगडम अलग अलग हैं, सिर्फ एक है सार्डिनिया पिडमेंट जो इटालियन है, ठीक है ना। तो इसका एक सेंस हम क्या समझ रहे हैं कि अगर इटली को यूनिफाई करना है तो ये किसके अंडर होगा, सार्डिनिया पिडमेंट के अंदर होगा। इटली के यूनिफिकेशन को हम लोग ना, इटली के यूनिफिकेशन में 3 हम लोग पर्सनैलिटी को देखते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक मेजनी, एक कैवूर और एक गैरिबाल्डी। देखिए एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले मेजनी को देखते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना कि मेजनी वाज द फर्स्ट हु ड्रीम्ड ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी। सो आप मेजनी को कह सकते हैं पायोनियर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, ठीक है ना, पायोनियर ऑफ यूनिफिकेशन हम मेजनी को कह सकते हैं। मेजनी ने इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली, ठीक है। इटली के यूनिफिकेशन के लिए 2 बार कोशिश की गई, इन 1831 एंड इन 1848, एंड बोथ द टाइम द अटेम्प्ट वाज फेल्ड, ओके। अब देखिए इटली का अगर यूनिफिकेशन होगा तो सार्डिनिया पिडामेंट के अंडर ही हो सकता है। सार्डिनिया पिडामेंट के जो रूलर हैं विक्टर इमैनुएल सेकेंड, ठीक है, ये वहाँ का काऊ चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे देखिए इटली के यूनिफिकेशन में कोई डेमोक्रेटिक, कोई लिबरल, कोई नेशनल इंटेंशन नहीं है। एकमात्र इंटेंशन है कि अगर इस रीजन को यूनिफाई किया जाता है तो इसका क्या होगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन होगा। सार्डिनिया पिडामेंट का क्या होगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से क्या बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे एक ही इंटेंशन था इस रीजन को यूनिफाइड करने का, कि यूनिफिकेशन के बाद सार्डिनिया पिडामेंट के अंदर में बहुत बड़ा रीजन आएगा जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और यहाँ इटालियन यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है काउंट कैवूर के लीडरशिप में, जो कि चीफ मिनिस्टर है सार्डिनिया पिडामेंट का। कैवूर कोई लिबरल नहीं है, कैवूर कोई नेशनलिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक एरिस्टोक्रेट है, ठीक है। और ये नॉर्मल अपने डेली लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में इटालियन नहीं बोलता था, बल्कि उस टाइम इस रीजन में जो एलीट क्लास की भाषा थी, एरिस्टोक्रेट की भाषा है, वो बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। हम लोग अपने यहाँ देख सकते हैं ना कि हमारे जो भी लीडर्स हैं, काफ़ी ऐसे लीडर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो एक नॉर्मल
जो मिडिल क्लास इंडियन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लीडर हैं, गरीबों के लीडर हैं, बट वो हिंदी नहीं अच्छा बोलते हैं, वो अपने नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश को एलिट क्लास की भाषा मानी जाती है। वैसे ही कैवूर वाज एन एरिस्टोक्रेट एंड ही स्पोक फ्रेंच, ही स्पोक बेटर फ्रेंच देन इटालियन, इटालियन से ज़्यादा अच्छी वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, कैवूर ने क्या किया है, फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिलेशन। ठीक है, फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया, और देखिए कैवूर मेड अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद फ्रांस, ओके। और उसके बाद इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया को, फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को 1859 में डिफीट किया, डिफीटेड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंडर में हमने देखा है ना कि हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया हैड द कंट्रोल इन नॉर्थ इटली। ठीक है, तो नॉर्थ इसके अंडर में आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं जो गैरिबाल्डी है, गैरिबाल्डी ना कैवूर से काफ़ी इम्प्रेस था, और गैरिबाल्डी ना साउथ इटली में अपने साथ किसानों के एक बहुत बड़े दल का नेतृत्व किया। ठीक है, ही लेड अ मार्च ऑफ पीजेंट्स टू साउथ इटली एंड सेंट्रल इटली एंड हेल्प्ड द विनिंग ऑफ किंगडम ऑफ टू सिसिल्स। ठीक है, देखिए गेसिप गैरिबाल्डी या गैरिबाल्डी, ओके, ही लेड अ कैंपेन इन 1860 में गैरिबाल्डी लेड अ कैंपेन, ओके। इसके ग्रुप में कौन कौन है, तो ज़्यादातर किसान है इसके ग्रुप में। ठीक है, इसने मदद किया है वहाँ पे साउथ इटली में किंगडम ऑफ टू सिसिल्स को जीतने में। ठीक है, सो हिज ट्रूप्स फॉर्म्ड ऑफ पीजेंट्स हेल्प्ड इन विनिंग किंगडम ऑफ टू सिसिल्स, किंगडम ऑफ टू सिसिल्स। आप देख रहे हैं ना, साउथ में जो किंगडम ऑफ टू सिसिल्स है इसको जीतने में गैरिबाल्डी की जो ट्रूप है, गैरिबाल्डी का जो दल है, उसने काफ़ी मदद की। इसके दल में ज़्यादातर किसान है। इन बेचारों को ये भी नहीं पता था कि ये जिसके लिए लड़ रहे हैं वो क्या है। अभी देखा है, हम लोगों ने देखा है ना कि इटली तो यूनिफाइड है नहीं, अलग अलग बटा हुआ था, साथ ही साथ यहाँ पे लैंग्वेज भी अलग अलग चलते थे, इटालियन भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था। तो इन किसानों को ये लग रहा था कि ये जो इटली के लिए जो लड़ने जा रहे हैं, सो इटली कोई कंट्री इस टाइम पे नहीं है, बल्कि ये जो राजा है विक्टर इमैनुएल, उसकी वाइफ का नाम हो सकता है ला टेलिया हो, और ये लोग राजा के लिए लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो मेनी ऑफ द पीजेंट्स वर इवन नॉट अवेयर अबाउट द वर्ड इटली, देवर ऑफ द थॉट दैट ला टेलिया माइट बी द वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुएल, ओके। तो 1871 में इटली का यूनिफिकेशन होता है, इटली के यूनिफिकेशन होते हैं, और जो विक्टर इमैनुएल वाज प्रोक्लेम्ड द विक्टर इमैनुएल, ओके, प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, देख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो इटली के यूनिफिकेशन को एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं। इटली सात किंगडम में डिवाइडेड है, नॉर्थ ऑस्ट्रिया के अंडर में है, सेंट्रल पोप के अंडर में है, साउथ स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी के अंडर में है, सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमेंट है जो इटालियन रूलर के द्वारा रूल किया जा रहा है। इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है काउंट कैवूर के द्वारा। इटली का यूनिफिकेशन सबसे पहले मेजनी ने ड्रीम किया था, ओके। उसके बाद कैवूर ने क्या किया है, फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाते हैं और ऑस्ट्रिया को डिफीट करते हैं 1859 में। 1860 में हम देखते हैं कि गैरिबाल्डी ने एक ट्रूप को लीड किया है और किंगडम ऑफ टू सिसिल्स को जीतने में मदद की है, साउथ इटली को जीतने में मदद की है। फाइनली इटली 1871 में यूनिफाइड होता है। तो इस तरीके से हमारा इटली यूनिफाइड और यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस कंप्लीट होता है।